सब क्या बकवास कर रहा है? अपने बाप के बारे में जानता ही क्या है जो ऐसी बातें कर रहा है? उन्होंने कर्जा लिया है बोल बोल कर उन्हें गाली देता है ना। कभी मुझसे पूछा तूने कि उन्होंने कर्जा क्यों लिया था? कितनी बार बताना चाहा, पर तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है ना सुनने के लिए। आज मेरी बात सुनेगा? जैसा तुझे लगता है, शौक पूरे करने या अय्याशी के लिए तेरे बाबा ने कर्ज नहीं लिया था। वो एक रियल एस्टेट एजेंट थे, रियल एस्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी सेल के लिए आई, उस प्रॉपर्टी को रीसेल करने पर लाइफ सेट हो जाती हमारी। जब तू बड़ा हो जाएगा तो हायर स्टडीज के लिए विदेश का भी प्लान किया था उन्होंने। अपनी सारी जमीन गहने बेच दिए, उसके बाद उन्होंने जहाँ से भी हो सके कर्जा लेकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। लेकिन हमारी फूटी किस्मत, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद पता चला कि उस जगह एक बहुत बड़ी खामी है। जो उस खामी के बारे में जानते थे उनमें से कोई उसे खरीदने नहीं आया। फिर उस प्रॉपर्टी को ना ही रख सकते थे और ना ही किसी को बेच सकते थे। कर्जदारों ने बहुत परेशान किया हमें, इससे तंग आकर तेरे बाबा ने आत्महत्या कर ली बेटा। ये प्रॉपर्टी है कहाँ माँ? देवापुरा। ना दूर है ये बंगला, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। अरे रुक, वो आंटी से पूछ ले। सब्जी बेचने वाली आंटी को यहाँ का रास्ता पता होगा, पूछ ले। आंटी, ये राज बंगला जाने का रास्ता कौन सा है? अरे राज बंगला, पता नहीं कैसे लोगों से सुबह सुबह पाला पड़ गया। अरे कहाँ भागी जा रही है आंटी? चले जाओ। क्या हो गया? अरे भाई, ये साइकिल वाले से पूछते हैं। ये राज बंगला जाने का रास्ता कौन सा है? अरे बाप रे, राज बंगला, लगता है तुम लोग यहाँ मरने आए हो। अरे पुजारी, अरे पुजारी, स्नान करना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है भाई? इससे राज बंगले का रास्ता पूछा तो साइकिल छोड़ के भाग गया। वो चाय वाले पे रोक, शायद वो हमारी मदद कर पाए। हाँ ठीक है, रुकता। अरे भाई साहब, यहाँ आस पास कोई राज बंगला है क्या, कुछ पता है? वो कोई बंगला नहीं है, वो जगह शापित है, जहरीले सांपों की गुफा है, रेत पिशाचों का घर है वो। अगर वहाँ कोई भी जाएगा तो वहाँ के गिद्ध उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस बंगले में जाने का मतलब है सीधे शमशान की ओर जाना। वैसे तुम दोनों उस बंगले में जाना क्यों चाहते हो? अरे भाई साहब, वो बंगला इसका है। क्या इसका है? अरे मतलब इसके बाबा का। रमन्ना के बेटे हो तुम? मत जाओ बेटा उस बंगले की तरफ, वापस चले जाओ। मैं वो बंगला देख कर ही रहूंगा। अरे भाई, इस बंगले को देखकर और लोगों की बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। अगर उस चाय वाले की बातें सच हुई तो शायद उसने जो भी कहा वो सब सच है। और वो कैसे? अपना बैग खोल जरा। ये बैग, ये क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करने का मीटर है। ओह, यहाँ भूत है कि नहीं इससे हमें पता चल जाएगा। ये था कहाँ? चैनल में पड़ा था, चेक करने के लिए मैं साथ ले आया। तेरे बाबा को इतनी दूर आकर ये बंगला खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो बिल्कुल पुरानी पिक्चरों के भूत बंगले जैसा लग रहा है। भूत आ गया तो? ए, तू चुप करना यार। पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो साफ करने में 2 साल लग जाएंगे। ए, अरे संभल कर भाई। अरे यार, तू जरा चुप रहना। मेरे पीछे से कोई गुजरा भाई। हम दोनों ही दरवाजा खोल के अंदर आए ना, और कौन हो सकता है? तेरा वहम है ये सब कुछ। चल, नहीं चल। भाई, मेरे पास जरा संभल कर चलना। अरे नहीं, अरे भाई,
सच में भूत है। अबे जब तुझे पता है यहाँ पर भूत है तो यहीं क्यों खड़े चले यहाँ से? ए, रुक जा। वो भूत इस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये देख, किसी ने इसे बांध के रखा है। अगर वो भूत यहाँ बाहर होता ना तो हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचता। अब प्लीज यहाँ से चलना यार। ये क्या बंगला देखने गए थे तुम लोग? तो लगता है डर के बंगले के बाहर से भाग आए। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, यहाँ कोई है जो बंगला गिरवी रख के कर्जा देता हो? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा बंगला गिरवी रखकर कोई कर्जा नहीं देगा। इसका मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर सोमापुर नाम की जगह है। मैंने सुना है वहाँ विदेशी लोग आए हैं और वो कैसा भी बंगला हो या जमीन खरीद लेते हैं। तुम लोग वहाँ जाओ और एक बार उनसे बात कर देखो। भाई साहब उनका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ देता हूँ। 100% क्लियर है सर, वी कैन प्रोसीड। थैंक यू। ओके सर। सर। हे रमेश, क्या बात है, क्या हो गया? ये फोटो यहाँ कैसे आया सर? ये बंगला सेल के लिए आया है, क्या हुआ? ये तो इंसानों का रहने का बंगला नहीं है सर, भूत रहते हैं इस बंगले में सर। What nonsense! पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये तो दमयंती का बंगला है सर। सर, सर देखा आपने, दमयंती का नाम लेते ही सारे बल्ब अपने आप फट गए। कैसी बातें कर रहे हो रमेश, 21st century है ये तो, यहाँ लोग चांद पर घर बनाने के सपने देख रहे हैं और तुम अभी तक भूतों के जमाने में अटके हुए हो। यही वजह है कि हम दूसरों से पीछे रह गए। Yes, you are right, sir. हम दोनों अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। उस बंगले में हमें तो कोई भूत मिला नहीं सर। मेरे बंगले को कम रेट पर निकालने के लिए मार्केट में ये बस फैलाई हुई अफवाह है सर। उस बंगले के बारे में आप नहीं जानते सर, इनसे कहिए कि वहाँ पे एक दिन रह के दिखाएं। ए, सिर्फ एक ही दिन क्यों, पूरा हफ्ता रहकर दिखाएंगे। I like your confidence. जैसा कि इसने कहा, तुम लोग अगर उस बंगले में एक हफ्ता रहोगे तो ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। नेक्स्ट वीक फुल सेटलमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, क्या कहते हो? वहाँ पर फालतू में मुंह फाड़ने की क्या जरूरत थी? और एक दिन के लिए बोला था ना उसने, तूने एक हफ्ते के लिए क्यों बोल दिया? भाई कॉन्फिडेंटली बोलूंगा तो लगा वो लोग मान जाएंगे, मुझे क्या पता था कि वो सीरियस होकर रहने के लिए बोल देंगे। हेलो, हाँ काव्या, हाँ भाई क्या हो गया? भाई प्रोजेक्ट चला गया अपने हाथ से। नहीं सच में गया क्या? सच में भाई, मेरी माँ बीमार है और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा ऐसा कहकर ये रियलिटी शो उन्होंने किशोर को दे दिया। अब क्या करेंगे? अपनी टेंशन खत्म नहीं हो रही और ये फोन करके परेशान कर रहे हैं। हेलो, हाँ मैं बताता हूँ बोला ना। क्या हो गया? रियलिटी शो के लिए पैसे देने वाले कॉल कर रहे हैं, ऑडिशन के लिए पूछ रहे हैं कब और कहाँ है, और इन लोगों को वापस करने के लिए तो खुद हमारे पास पैसे नहीं है। और अभी तूने ही कहा कि रियलिटी शो का पूरा प्रोजेक्ट गया हाथ से, अगर इसके बारे में लोगों को पता चला ना तो अपने चैनल में ही हम दोनों का एपिसोड बन जाएगा। भाई अब क्या करें बता, बोल ना कुछ तो बोल भाई। तू सुन, सबको ऑडिशन के लिए कल ही बुला लो, अब हम अपना रियलिटी शो बनाएंगे। ऐसा क्या? सब लोग आ गए हैं, एक एक करके बुलाते हैं, तू थोड़ा अच्छे से डील कर लियो यार। मैं इन सबको अपने आप देख लूंगा, तू सिर्फ उन्हें अंदर बुला, चल घंटी बजा। घंटी का है? बेल है ना। बेल ले। कम इन। हमारे रियलिटी शो में आप पार्ट लेने आए हैं तो आपका स्वागत है, आप सभी का वेलकम। इस रियलिटी शो का नाम है डीडी बॉस, मतलब डेयरिंग विद डेविल बॉस। कर्नाटक के टेलीविजन के इतिहास में इस तरह का शो फर्स्ट टाइम होने वाला है। आपको रहना होगा भूतों के साथ। ओके। अगले एक हफ्ते के लिए भारी दुनिया से आप किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये 7 दिन खत्म होने तक जिस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा विनर और उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। आप सभी को 20-20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। जो कंटेस्टेंट डरेगा उनका एक एक पॉइंट कम होता जाएगा और जिसके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है, एक दूसरे को डरा कर उनके पॉइंट्स से अपने पॉइंट्स आप बैलेंस कर सकते हैं। इन दिनों के बारे में और इस शो के बारे में आप लोग किसी को कुछ नहीं बता सकते।
ये शो खत्म होने के बाद इस रियलिटी शो को अपने घर में आराम से बैठकर अपने टीवी पर देख सकते हैं। हाँ, सुपर। लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा इसका। और यहाँ पर आप लोग जितना चाहे उतना खा सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं। शाबाश। इस घर में जगह जगह पर कैमराज लगे हैं। आप में से किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैमरा पर आकर बात कर सकते हैं। ओके। ये शो उनके लिए है जिनमें हिम्मत है, और जिनमें हिम्मत है वो अपने अपने मोबाइल्स को इस ट्रे में रखेंगे। बाहर गाड़ी रेडी खड़ी है, उसमें बैठ जाइए। अरे रुक, सॉरी, चल अंदर। बोला था ना भाई आराम से। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इतना बड़ा है तो रूम कितने बड़े होंगे। घर तो ठीक है पर अंधेरा क्यों? अरे सच में एक काम कर, चश्मे निकाल। चश्मे निकाल अपने। लाइट तो मत रे। अबे तू घड़ी घड़ी मेरे पीछे क्यों आ जाता है? अरे ओ चुभेश्वर, चुभना बंद करना। डीडी बॉस के सभी सदस्यों का डीडी बॉस के घर में हार्दिक स्वागत किया जाता है। इन 7 दिनों के सफर में हर रोज आप में से किसी एक को कप्तान बनने का मौका दिया जाएगा, और वो डीडी बॉस डिसाइड करेंगे। सब लोगों को एक एक दिन कप्तान बनाया जाएगा। सबसे अच्छी कैप्टेंसी निभाने वाले को शो के आखिर में एक खास इनाम दिया जाएगा। घर के सभी सदस्यों को इस शो और घर के नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ साथ घर के सीक्रेट रूम में किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। जो भी नियम तोड़ेगा उसे शो से डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उसका डीडी बॉस का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। दीवार के अंदर से, दरवाजे के पीछे से, जमीन के नीचे से, भूत कहीं से भी हमला कर सकते हैं। भूतों का सामना करने के लिए आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? मैं भी तैयार हूं। यार ये लोग तो उल्टा खुश हो रहे हैं, इनमें से किसी को डर ही नहीं है। ये लोग भूत बंगले में आए हैं, अपने ससुराल में आराम करने आए हैं। जब हम इस शो के लिए ऑडिशन कर रहे थे तब याद है क्या हुआ था? अरे भाई इधर आ। मैं? हाँ तू आजा। इस शो का विनर बनेगा। तो क्या टाइम पास करने आया हूँ? 10,000 निकाल। क्या बे? जवाब चाहता है या जीतना चाहता है? वैसे 10,000 दे ही सकता हूँ। अगर मैं हारा ना तो फिर तू देखना। ए, सुन तो, तेरी जीत के लिए 3 सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट नंबर 1, ऑडिशन में बताया जाएगा कि तुम्हें एक भूत बंगले लेकर जाएंगे। यकीन नहीं करना, वो तो हमारे चैनल वालों का सेट है। सीक्रेट नंबर 2, ये देख, वो बोलेंगे कि भूत कभी भी हमला कर सकता है। बिल्कुल नहीं डरना। वो क्यों? अरे हम ही मेकअप करके भेजेंगे ना, जूनियर आर्टिस्ट होंगे सारे। और तीसरा? ये सीक्रेट ना मैंने और किसी को नहीं कहा, सिर्फ तुझे ही बताया है। मतलब तू भी किसी को नहीं कह सकता, ठीक है ना? ओके, सही है ना? ये क्या बेवकूफी कर दी तूने यार। पैसों के लिए किसी की जिंदगी से खेलेगा? अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा इसका? मैं अभी सबको सच बता देता हूँ। ए, वापस दे। वापस दे? ए, छोड़ दे। तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरा ना सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है लेकिन बुद्धि अभी तक नहीं। ए, अगर तू चाहता ना कि ये लोग वापस चले जाए तो बता दे सच। और अगर ये लोग वापस चले गए तो तू कहाँ से पैसे लेकर आएगा? और इन्हें सच बताकर तू महात्मा बनना चाहता है या फिर अपनी माँ को बचाना चाहता है? तू खुद डिसाइड कर ले। ये बात नहीं है भाई, अगर भूत ने इन लोगों को कुछ कर दिया तो कौन जवाब देगा? तूने ही मुझसे कहा था ना वो दरवाजे में कैद है और भूत बाहर नहीं आ सकता। अब तू खुद ही डिसाइड कर, सच बताना ना तुझे। ले बता, जो करना है तू ही कर। ईडी बॉस में आज के दिन की कैप्टेंसी के लिए मिस्टर गौड़ा को सेलेक्ट किया जाता है। थैंक यू बॉस, आप हमारे सीनियर हो। तो आज के दिन का टास्क है अपने पूरे घर की चकाचक सफाई करना। मुझे तो लगा था ये खाने का इंतजाम है, लेकिन ये तो मेरे पीने का भी इंतजाम है। मैं तो इसी के साथ रुकूंगा। अरे एक मिनट रुकिए ना। क्या है गुरुजी? मैं आपके साथ रहूंगा और किसी के साथ नहीं रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस अपने साथ रख लो। ऐसा क्या? कंडीशन नंबर 1, इस घर में चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ओके रुक जा, मेन कंडीशन तो सुन ले। हाँ।
कंडीशन नंबर टू, हाँ। रोज रात को मुझे 90 ml से ज्यादा मत पीने देना। 90 ml से ज्यादा नहीं पीने देना, इतना ही ना। ओके, ये सब मंजूर है तो मेरे साथ रह सकता है। और मेरा क्या गुरुजी? जितना पीना उतना पी। अरे बाबा थैंक यू, बुड्ढा मान गया। हाँ उठा रहा हूँ। अरे अरे बाथरूम कहाँ गया? बाप रे कितनी दूर है। खाने की प्लेट अगर साफ ना हो तो भी चलता है, लेकिन पेट साफ करने की जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए। ए, ब्रश कहाँ है रे? स्पेशल फिर क्या? अरे इस नींद का क्या करूं मैं? ये तो ठंडा है। पवन, ए पवन इधर आ। अरे अब क्या हो गया गुरुजी? ये बर्तन गर्म हो रहा है लेकिन दूध गर्म नहीं हो रहा है। सच में? हाँ। देखो तो जरा। गुरुजी, आप मुझे डराना चाहते हो ना, ताकि मेरे पॉइंट्स आप हड़प सको, है ना? वो क्यों? क्या गुरुजी, स्टोव ऑन ही नहीं करोगे तो गर्म कैसे होगा? स्टोव मैंने खुद ऑन किया था, मुझे अच्छे से याद है। बॉल ये कहाँ से आया? मस्त टी-शर्ट, ये मेरा पैंट, ये मेरा पैंट। बॉल गई कहाँ? यही तो रखी थी। हीरो कौन? मैं और कौन? दोबारा कहना। अरे आजकल के टाइम में हीरो कैसा भी चलता है, लेकिन कहानी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन तू बहुत टैलेंटेड दिखता है, छोटा सा सैंपल दिखाएगा? ए, पीछे आना। हाँ बहुत बड़ा एक्टर है ना। चल शुरू कर, शुरू करना। तूने मुझे क्यों मारा? तूने मुझे छुआ? साले नहीं छुआ, रास्कल छुएगा। तू यही रे, मैं पानी पी लेता हूँ। वाओ, फारे एक्टिंग। तूने मुझे मारा, तू मुझे छुएगा? अब छू के दिखाना। आ छू रस्कल। मुझे ऐसे कट लेना चाहिए। भवन, मेरी शर्त याद है ना? गुरुजी, मुझे शरत और शरबत दोनों ही अच्छे से याद है। 90 ml से ज्यादा तुम्हें पीने नहीं देना, इतना ही ना? बहुत है। 90 आपका, बॉटली मेरा। चलो चेयर्स करो। चेयर्स। लगता है जबान लेमिनेट करानी पड़ेगी। वो क्यों? एक 90 अंदर जाते ही मन करता है कि बस पीता ही चला जाऊं। ए पवन, एक 90 और देना। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा गुरुजी। 90 ml से एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगी, और मैं गुरु का सच्चा भक्त हूँ। शाबाश चले, द्रोणाचार्य के एकलव्य जैसा शिष्य है तू, पर तेरा अंगूठा नहीं मांगूंगा। ए सच्चा चेला है तू। वो तो मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, पर तू उसमें पास हो गया। तूने मेरा दिल जीत लिया। टेस्ट में पास होने का इनाम है ना, मैं तो टेंशन में ही आ गया था। ये लो गुरुजी, ये 90 ml का आखिरी पैग है। सरोजा, ए सरोजा। अरे यहाँ कौन सरोजा है? ओ गुरुजी, आपने यहाँ किसी को छुपा रखा है ना? सरोजा कौन है बताओ ना? सरोजा कौन है बे तू साले? मैं हूँ गुरुजी, आपका चेला पवन। ए कौन गुरु कौन चेला? 90 ml से ज्यादा पिला दिया तो लगता है बुड्ढा पगला गया। मुझे सरोजा समझ रहा है, अभी बताता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अरे भाई, इन नमूनों को अगर हम लोग रियल रियलिटी शो में अगर भेज देते ना, तो हमारी बची कुची इज्जत का भी हैराम हो जाता। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं था, वरना तो ये पी पा के कभी मुझे सरोजा समझ लेता। करके मुझ
को चुमा। चले गए चले गए। अरे विक्की, लगता है भूत ने इसे अपने वश में कर लिया। इससे पहले कि कुछ गलत हो हमें इसे बचाना होगा। चल चल चल, चुपचाप बैठ। देख, खुद ही देख ले, इसे किसी भूत वूत ने वश में नहीं किया है। इसे नींद में चलने की आदत है। बंदरों की तरह क्यों एक्टिंग कर रही है तू? ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये घर तेरा है? इत्तु सिद्धू है और ये घर तेरा है? तेरी माँ ने सिखाया क्या? कहाँ है वो? बोला अपनी माँ को। कहाँ है वो? बोला अपनी माँ को। तो तू तब से वहाँ छुप कर बैठी है। सरोजा, क्या कर रही तू अलमारी में बैठ के? कॉकरोच मार रही है क्या? बाहर निकल। ये चैनल ने इस जूनियर आर्टिस्ट को अभी क्यों भेज दिया? अरे और तू आती है कि मैं वहाँ आऊँ? आ रही हूँ जी। हे भगवान, कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। इधर आ, तुझे बताता हूँ। आजा। इस बच्ची को तूने क्या सिखाया? ये मेरा घर ऐसा बोल रही है? हाँ मेरा कलर देख और उसका कलर देख, ये तेरी नाजायज औलाद है। बोला बोला अपने बाप को, आज फैसला हो कर रहेगा। बोला अपने बाप। अरे अरे, मैं यहाँ हूँ तो वो कैसे आएंगे? ये सब बकवास मैं नहीं जानता, चल बोला। हाँ, अरे वो तो मुझसे झगड़ा करके जाने कहाँ चले गए। उसकी बेटी का पति यहाँ बैठा है और उस बुड्ढे को जरा सी कटसी नहीं है। सारा धोखेबाज। आज तक मुझे एक कंफ्यूजन था कि मेरी कमाई आखिर जा कहाँ रही है, लेकिन आज मुझे पता चला। क्या समझ आया जी? ये रात में इतना मेकअप लगा के घूम रही है, सुबह कितना मेकअप लगाएगी? तू कितना मेकअप लगाती है? मेरी सारी कमाई तेरे मेकअप में चली जाती है। भागो यहाँ से। ए वापस आए। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सब क्या है? होमवर्क करने की जगह मेरा घर है, मेरा घर है चिल्ला रही है तू। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये मेरा घर है करके चिल्लाएगी तो मैं डर जाऊंगा क्या? मैं तेरा बाप हूँ, अब मैं चिल्लाऊंगा। ये मेरा घर है। अरे यार, मेरा पेट। आधी रात को मेरे पेट में दर्द हो रहा है रे, इसीलिए मुझे कम खाना चाहिए। इस बावर्ची को कितनी बार का ढंग का खाना दे पर देता ही नहीं है। आए अब क्या करूं, नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे माँ। कौन है तू? तुझे भी मेरी तरह बाथरूम जाना है क्या? तेरा हो गया ना, चल भाग, मुझे जाने दे, आ जा। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बाथरूम मेरा है, तू यहाँ से बाहर निकल। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। इतनी जोर से मत चला यार, मुझे सच में बहुत जोर की लगी है। देख, मुझे अभी के अभी जाने दे, नहीं जाने देगी तो इसके बाद जो होगा उसकी वजह तू होगी। चल साइड। मैं वैसे परेशान हूँ, ऊपर से ही आ गई। मुझे लगा मेरी पुरानी प्रेमिका कमला यहाँ है, लेकिन तू तो एक बच्ची है। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। बालिका, ये डायलॉग मारने के लिए तूने मेरे जैसे एक शेर को जगाया? ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। कचा कचा कचा। मैं ये फालतू बातें नहीं सुनूंगा। अगर तेरी जगह यहाँ कोई और होता
तो मैं उसे उठाकर फेंक देता। और क्योंकि तू एक बच्ची है, तुझसे लड़ना मेरे उसूलों के खिलाफ है। और मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तूने मुझे नींद से जगा दिया, पर इसलिए गुस्सा हूँ कि तू एक ही डायलॉग मारे जा रही है। बेटा, डायलॉग भूल गई है क्या, या फिर बस उतना ही है? अच्छा, अगर तुझे टाइम मिले, ड्रामा जूनियर आता है ना, वो देखना, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। तुझे पता है तुझमें कितना टैलेंट है? ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। ओह, ये भूत का कैरेक्टर ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और उसे निभाने के लिए अपने अंदर का जो भाव है, मतलब जैसे कोई और हमारे शरीर में है, ऐसा सोचो। अच्छा सुन, तेरी एक्टिंग के लिए ये अंकल है, और मैं बहुत डरावना हूँ, मैं तो भूतों को भी डरा सकता हूँ, समझी ना? मैं दिखाता हूँ, अपनी आंखों को ऐसे खोलो, करेक्ट 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 करेक्ट, ऐसे ही करना है, और जोर जोर से सांस लो। डायलॉग डायलॉग डायलॉग, अब डायलॉग बोलो। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे 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 ही, हाँ, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं डायलॉग समझ गया, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ, यही है ना? हाँ। अब मुझे देखो, ऑब्जर्व कर, बड़ी बड़ी आंखों से। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। डीडी बॉस, आप सभी सदस्यों को थैंक्स कहना चाहते हैं, और इसी के साथ आज हम तीसरा दिन शुरू करने वाले हैं, और इसके लिए डीडी बॉस आप सबको बधाई देते हैं अपने सफलता पूर्वक निभाने के लिए। डीडी बॉस रोशन को बधाई देते हैं। आज तीसरे दिन का कैप्टन गिरिराज को चुना गया है। डीडी बॉस गिरिराज को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज के दिन का टास्क है अंताक्षरी टास्क, जो कि बहुत खास है। जिंदगी में पहली बार कैप्टन बनाऊंगा। अरे ये तो खाते खाते रोने लग गया। डीडी बॉस, थैंक यू बॉस। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। डीडी बॉस, जिंदगी में मुझे आज तक किसी ने कैप्टन नहीं बुलाया, और आपने मुझे शो में बुलाकर मुझे कैप्टन बना दिया। इतनी खुशी। इसीलिए डीडी बॉस, सभी सदस्यों को मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। दो फुल बोतलें और चिकन भिजवा दो। बॉस, मैं बस उधार मांग रहा हूँ, मैं बाहर आकर इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा बॉस, प्लीज। क्या करें यार, भेजना पड़ेगा। भेज दो प्लीज। वैसे गलती हमारी है कि हमने बोला कि खाने पीने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो सुअर की तरह खाने पीने के लिए सब रेडी बैठे। भिजवाता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी में पहली बार कैप्टन बनने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, तो जितना पीना है खुल के पीना, बस खाना मेरे लिए छोड़ देना, ओके? हेलो कैप्टन, पार्टी तो ठीक है, हम खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, पर एक कंडीशन है। क्या? पार्टी खत्म होने तक तू पा देगा नहीं, ठीक ना? ओके ओके, पक्का। सुपर गर्मा गर्म चिकन कबाब रेडी। तो मैं सबके लिए पैक बनाता हूँ, ये मेरा, ये एक और, मुझे भी थोड़ा थोड़ा, ये लो तुम दोनों के लिए ऑरेंज जूस। हेलो, हमारे लिए ऑरेंज जूस क्यों, हमें भी 90 चाहिए। तुम पीती हो? ए, तुम तो लड़कियाँ हो ना? हाँ? लेडीज। हाँ तो हम लड़कियाँ पी नहीं सकती क्या? हम नेशनल पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक पार्टी नहीं कर सकते क्या? हम भी पियेंगे, समझ आया? ओ, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये 2019 है ना, हमारा 90 भी बना। शाबाश, आज तक न जाने कितनी पार्टीज की है मैंने, लेकिन आज तक लड़कियों के साथ नहीं की। ओ, सुना गुरु जी, इसने आज तक लड़कियों के साथ नहीं किया। अरे पार्टी, इन लड़कियों को तो देखना ही बहुत है। शादी तेरी फिर भी नहीं होने वाली, लड़कियों को पीते हुए देख। ओए कैप्टन, ओए, ये सब क्या है? ये तेरे अकेले के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है। मैंने कहा था ना, खाना सिर्फ मेरे लिए है। अबे ओए, तू खा ले भाई। तो अरे देगा देगा देगा, आराम से बैठ जा, सबको देगा, बैठ जा, पियो पियो, जितना पीना है पियो। तुम्हें गुरुजी, मैं आपको और नहीं दूंगा। लड़कियों को ना ऐसे पीते देखकर किसी लाइव बैंड जैसा फील आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम भूत बंगले में। ए, मैं भी वहां जाऊं क्या? अबे बेवकूफ, एक तो मैं पहले से ये सोच कर परेशान हूँ कि ये लोग पीकर कुछ ना कुछ तमाशा ना कर दे, और तुझे पार्टी करने की पड़ी है। तेरे पास तो हमेशा कोई बहाना रेडी रहता है, बोरिंग आदमी साला। मैं तो यहीं से एंजॉय करूंगा। अब तू कभी गेंडा नहीं बन पाएगा। स्कूल की घंटी बज गए, छुट्टी हो गई, घर जाओ। ये लुकिया दे रहा है ऐसे, तेरे और मेरे बीच में आज दंगल होगी। अंकल, छोड़ो उसे।
स्वीटी सासू माँ। सासू माँ? ओए लहराती वंचना, ए गर्मा गर्म खाना खाने की जगह तू अपनी बहन के साथ घूम रही है। बहन? पूरी फ्रॉड फैमिली मुझे मारने आई है ना? आई डोंट केयर, आई एम सिंगल आर्मी, कम ऑन आई से। ए ये मेरे से बंद नहीं रहा है, जरा एक बार ठीक से बांध लू फिर तुम लोगों को बताता हूँ। ए प्रकट हो। पगला गया बाबा, बाबा जी सबको डीप फ्राई कर रहा है। कौन हूँ मैं? अरे मेरा हथियार मुड़ गया, हथियार चेंज। अरे रे, बावर्ची ने करछी बदल के मिर्ची कूटने वाला डंडा मंगा लिया। ए कहाँ छुप गए सारे? ए फ्रॉड आदमी ब्रोकर, काले ससुर, गंजे साले साहब, सरोजा, सुषमा, कहाँ हो तुम सब? तुम सब एक एक करके आओगे या सब एक साथ आओगे? डिसाइड करो। तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूंगा। मैं छोटी बच्ची पर हाथ नहीं उठाऊंगा यही सोचकर तेरी माँ ने तुझे यहाँ भेजा है ना? ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। तेरी माँ ने तुझे ये भी सिखा दिया? वो मुझे इस घर से बाहर फेंक कर उस माजिद को यहाँ लाना चाहती है। कहाँ है तेरी माँ? आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा हुआ कि तू सामने नहीं है, वरना तू भी जाता। ये बावर्ची मूसल के साथ ऊपर क्यों जा रहे? बावर्ची को आखिर हो क्या गया है? जल्दी माइक में अनाउंसमेंट कर। हेलो, बावर्ची तो बंद दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, जल्दी अनाउंस करना। हेलो, अरे भाई ये माइक काम नहीं कर रहा है, इससे कर। हेलो हेलो, नहीं चल रहा, माइक काम नहीं कर रहा है भाई। ओह शिट, चाहे जो भी हो जाए हमें उसे उस दरवाजे को खोलने से रोकना होगा। चल जल्दी चल। जिसके साथ छल कपट और अन्याय हुआ था, मासूम चरित्र वाली बेबस दमयंती नहीं हूँ मैं, हजारों रूपों के बराबर हूँ मैं, मृत्यु को लेकर चलने वाली नथुनी हूँ मैं, मैंने मृत्यु को हराकर विजय हासिल की है, मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया था, मृत्यु से पहले रुद्र तांडव करती हूँ मैं, दम दम दमयंती हूँ मैं, अपने दुश्मनों को ढूंढ कर उनका सर्वनाश करने आई हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि इस शो को लेकर यहाँ कोई भी सीरियस है। डीडी बॉस ने आप सबको पहले ही बताया था कि उस सीक्रेट रूम के पास कोई नहीं जाएगा। तुमने इस शो का रूप तोड़ा है, तुम खाओ। एंड एज़ पर द एग्रीमेंट हम इसी वक्त तुम्हें शो से डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। आखिर तुमने डीडी बॉस का रूल क्यों तोड़ा? तू आखिर डांट किसे रहा है? तुझे बड़ी ये रिएक्ट तो ऐसे कर रहे जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। ए बावर्ची, ये लोग तुझे ही सुना रहे, सुन ले। मुझे क्यों सुनाएंगे, ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरा नाम लेकर डांटेंगे तब समझ में आएगा ना। ए काले बावर्ची, तेरा नाम आखिर बेलीगौड़ा रखा किसने है? हम तुझे ही डांट रहे हैं क्या बे? रात को फुल टाइट होकर साइलेंट रहने वाले टाइम पर वायलेंट होकर तूने सीक्रेट रूम खोल दिया? हम लोग क्या पब्लिक के ढोल है जो तू बजाता चला जा रहा है? बेवड़ा कहीं का, इंसान अपनी उम्र से नहीं हरकतों से बड़ा होता है, और तेरी हरकतें पूरी सड़क छापे। ए स्वामी, दारू पीना कम कर दे।
सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लास्ट वार्निंग है। फिर से अगर किसी ने उस सीक्रेट रूम को खोला तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ये डीडी बॉस का डिसीजन है। भाई, इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक तो इन लोगों ने भूत का कमरा खोला है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। आज के दिन वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए और इस घर का एक सदस्य बढ़ाने के लिए एक विशेष मेहमान को भेजा जा रहा है। डीडी बॉस इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों की तरफ से हमारे नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अरे भाई, ये कौन सा गुरु आ गया? शाहरुख खान, सलमान खान, सोचा था ये तो कोई ऑयल मैन आ गया यार। ये तो ओ माय गॉड का मिथुन लग रहा है। एक दो तीन चार पाँच छह सात। आप हो कौन? बताओगे नहीं? मैं कौन है पूछने वाला, तू कौन होता है लोफर? कौन है वो भी मैं? तू होता कौन है मुझसे पूछेगा? मैं कौन है? ओए, रात को 10 बजे एक बार अगर मैं टीवी पे आ जाऊं तो सारी आत्माएं एटीएम में खड़े लोगों के जैसी खड़ी होकर मुझे वहां पर एक टक देखती। अपने देश की हो या परदेश की, सभी आत्माएं मुझे बुलाकर मुझे बचाओ बोलकर मेरे सामने लेट जाती है। बहुत सारी आत्माओं की शादी करा के उनको हनीमून पे भेज के उनका बच्चा पैदा कराया। क्या कराया? बच्चा बच्चा बच्चा। टीवी वाले को टीआरपी दिलाने इधर मैं आया हूँ। एक बार मैं टीवी पे आ गया तो बस टीआरपी आता है छप्पर फाड़ के। आत्माओं को मेरे रहने से आनंद आता है। आत्माओं का उद्धार करने वाले इस आत्म ब्रह्मन्ना से तुम लोग पूछते हो मैं कौन है? तू है, तुम सब लोगों पे। तुम लोगों को मार मार के जमीन पे लिटा के बच्चों का सूसु में मिक्स करके गटर में फेंक दूंगा तुम सबको। इनका भूत बन जाए ना, इन्हें चुड़ैल खा जाए ना, इन्हें जमीन खा जाए। अब यही आते हैं क्या टीवी में? मतलब पापी पुरुष है? स्वामी जी, इन्हें माफ कर दो, बच्चा समझ के माफ कर दो, इनसे गलती हो गई। चेयर लेके आओ, चेयर लेके आओ, जल्दी करो। स्वामी जी को बिठाओ। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, इधर खो जाओ। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, इधर करो। हरी ओम हरी हरी। रक्षिता, हाँ? तेरा मेकअप फर्स्ट क्लास है। हे रम्या, एक आइडिया है। हाँ बताना। हम दोनों मिलकर डराने वाला खेल खेलते हैं, जो पॉइंट्स मिलेंगे दोनों शेयर कर लेंगे। हाँ, इट्स वेरी गुड आइडिया, लेट्स डू इट। मैं तो रेडी हूँ, पहले मैं जाकर डराती हूँ, फिर तू आके डराना, खूब सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ओके ओके। अच्छा, तो ये प्लान है, मैं बताता हूँ। पॉइंट्स चाहिए पॉइंट्स, कैसे लेते हैं वो मैं दिखाती हूँ। अब तुम देखती जाओ, इस शो की विनर तो मैं ही रहूंगी। मुझे डराएंगी? ये मुझे भी जानती नहीं है। मैं इन्हें ऐसा डराऊंगा कि इनके सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। आजा, मैं दिखाता हूँ कि एक्टिंग होती क्या है। हाँ। आजा, आजा, आजा। आई क्या? आने की जगह कान के पत्ते फाड़ दिए। तुझे दिखाता हूँ, रुक। अरे, एक्टिंग तो एकदम ठीक है, पर मेरे साथ मैन हैंडलिंग क्यों करी पता? ऐसा करने से पॉइंट नहीं मिलता है, समझी? तू जानती है कि मेरा बाप कौन है? आंखें किसको दिखा रही है? चल माफी मांग। जो दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
अरे डीडी बॉस, इस लड़की को एलिमिनेट करो अभी। मैनहैंडलिंग करी मेरे साथ, मुझे कुत्ते की तरह मार रही है। मुझसे नहीं हो रहा है, यहाँ से एक्टिंग करने का बहुत मन किया, पीटने का नहीं है मुझे। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खेलूंगा। चलो बंद करो इसे, मुझे बाहर निकालो, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे बाहर निकालो, मैं चला जाऊंगा। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। टरने नन्ने गिरिराज कोहली, इस काली शक्ल पर बिल्ली का ड्राइंग करके टोमेटो सॉस लगाकर डराना चाहता है क्या? ये लोग मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं क्या रे? इतना मस्त मेकअप करके ज्वेलरी पहन के आई है? शाबाश। अब देख, वस्त्रों से या ज्वेलरी पहनने से शाबाशी थोड़ी मिलेगी। गेट अप चाहिए, अभी तो लोग तुझसे डरेंगे। प्यार, क्रोध, लोभ, नफरत, लालच, मोह। अब सुन, तुझमें कितना दम है ये तुझे मुझे दिखाना होगा। कम ऑन, इन्वॉल्व हो जा। तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे डरा। कम ऑन, कम ऑन, बराबर बराबर बराबर, तेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल बराबर है। निकलेगा तो टोमेटो सॉस, और तुम्हें निकलेगा तो ब्लड। क्या यही अच्छा है कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। रोशन, हाँ, इसे क्या हो गया? ओ, तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो क्या? ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। मैं नहीं डरूंगा किसी से, मेरे पॉइंट्स नहीं जीत सकती। ऐसे क्या देख रही है? समझ नहीं आ रहा क्या? चल भाग बेवकूफ। ए भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई, हम लोगों ने टास दिया है ना, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ बावर्ची। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। ले ले, दे रहा हूँ। गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मुझे मेरे घर से मुक्ति दिला के अपने साथ रखने की कृपा करो। मैं मन लगा के आपकी सेवा करूंगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। ये पीले 90 प्रसाद है। प्रसाद है गुरुजी, थैंक्स। अरे बोला ना, पैर छोड़ दे यार। अरे माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया। मैं तो जाता हूँ यहाँ से। अबे आ जा, रुक जा बाबूजी। ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति। जगत माता माँ, आपने इस पापी को साक्षात दर्शन दिए माँ। भगवान और भूत में फर्क नहीं देखता तू? अरे एकदम से कहाँ गया मेरा शिष्य? शिष्य? ये क्या गुरुजी, पूरा आटा लगा कर आए हो? वो भजिया बना रहे थे क्या? कौन सा, केले का या मिर्ची का? नहीं, इसके साथ तुमने बहुत बुरा किया। उससे तो तुमने इतना अच्छे से आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। नहीं चाहिए। सुन, अगर हम लोगों ने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पहले चलकर इन्हें बचाते हैं। चल, आ जा, चल। तो डिस्टर्बेंस, दरवाजा भी अंदर से बंद है। अंदर क्या हो रहा है, कैसे पता करें? खोलो, खोलो, मैं खोलूंगा। खोलो, खोलो, खोलो। यार सुन, मेरी बात सुन। मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ, अगर वो आ गए ना बेटा तो एक सेकंड में तेरा सुसु निकल जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है?
मैं वहाँ आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ और तुम लोग शोर मचा रहे हो। मैं भस्म कर दूंगा, समझे? गुरुजी, वहाँ उन आत्माओं को तो आपने समझा दिया, यहाँ भी एक आत्मा, उन्हें भी समझाओ। देखो ना वो कैसा कर रहे हैं। यही है क्या वो? जाइए, अभी बताता हूँ इसे। उसे छोड़ना मत गुरुजी। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम बेटी? ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस तुमसे यही पूछा था कौन हो, और तुमने मेरे को आई खून। तो गुरुजी को समझती क्या है? तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। गुरुजी आत्माओं से खेलते हैं, उन्होंने कितनी आत्माओं की शादी करा के उन्हें हनीमून पर भेज के बच्चे पैदा करवाए। हिम्मत है तो उन्हें छूकर दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं इनसे शर्त लगाकर इनके साथ खेल खेलते हैं, पता है? हिम्मत है तो दिखा, हाथ लगा के, हाथ लगा के दिखा कर पटक देगा। तुम लोग जूस का एक गिलास पिला के इतनी खातिरदारी कराओगे? अयो माँ छोड़ दे मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। तो मेरी माँ जैसी है ना, मैंने किसी भी आत्मा से बात नहीं किया, कोई आत्मा मेरे साथ नहीं है। माँ टीवी चैनल पे भविष्य बताने का काम करता हूँ मैं, चैनल वाले इस गेटअप में देख कर मुझे बोले तुम ही आत्मा ब्रह्म हो, तो मैंने भी अपना नाम रख लिया। माँ सच कहो तो मुझे मारपीट के बारे में कुछ नहीं पता। माँ तीन दिन से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। माँ मुझे जाने दो, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे जाने दो ना ओ माँ। यू चीट, सारे पॉइंट्स तू ही लेना चाहती है क्या? मेरी बात सुनो रे, ये तो सच में भूत है, ये रियलिटी शो नहीं है, ये सच का भूत बंगला है, भूत बंगला। भाग जाओ भाग जाओ, खिड़की खोल के भाग जाओ। रखो, मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। शेरनी से खेलने का मतलब है मौत को दावत देना। साधु की बात मान के भागने की कोशिश की तो शमशान का रास्ता दिखा दूंगी। दान धर्म करने वाला ये हाथ आज भी दया करेगा ये सोचना गलत होगा। अष्ट दिग्बंधन को पार करके दिग्पाल को दिशा दिखाकर सारे ग्रहों को ग्रहण करके दुश्मनों की बलि लेके उनका नाश करने वाली नारी हूँ मैं, राक्षसों का रक्त पीने वाली महाकाली दमयंती। सब कुछ जानकर जानबूझकर यहाँ खेल खेल रहे हो क्या? मेरे इलाके में आके मेरी ही बेइज्जती करोगे तुम लोग। तुम लोगों की आंतें निकालकर वीणा का धागा बनाकर उससे संगीत सजाऊंगी। तुम लोगों को जिंदा ही यम के दर्शन करवाऊंगी मैं। इस घर को खुद छोड़ के जाओगे तुम लोग, या बताओ मुझे अपने प्राण दोगे तुम लोग? तुम दोनों भी सुन लो। बेटा विक्की, तुम ऐसा करोगे ऐसा सोचा नहीं था, तुम पर भरोसा किया था। तुम भी इसकी तरह 420 हो, ये साबित कर दिया तुमने। मैं पैसे कहां से लाया था जानते हो? हाँ, दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कमाया हुआ पैसा था वो, तुम्हारी तरह बेवकूफ बनाकर नहीं कमाया था। हम जैसे लोगों को क्यों फंसाया तुमने? बावर्ची, ये लोग पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें तो बस पैसा बनाने से मतलब है। मेरे बाबा की तबीयत खराब है, मैंने फिर भी इन्हें पैसा दिया। इंसानियत नहीं है तुम लोगों में? ये लोग बस क्रिमिनल्स हैं। जस्ट फॉर मनी दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। विनर्स बोलते हो विनर्स, ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? जीतने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए,
और दमयंती के बारे में कुछ बताया नहीं, हम लोग को बेवकूफ बनाते रहे। हमसे इतना इतना पैसा लिया तुम लोगों ने और हमारा पैसा लेकर तुम लोग भागने वाले थे क्या? एक एक रुपया कमाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुम्हें? मैं बकरा समझ कर हलाल करने निकले हैं लोग, चैनल का नाम लेकर हमारी जिंदगी से खेला इन्होंने। रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है क्या? इन लोगों का पता नहीं पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेल का जेलर है मेरा मामा, समझा? उन्हें बोल कर तुझे मार मार कर जेल में नहीं डलवाया तो तट्टा गांव के पुली राज का बेटा गिरिराज बहादुर नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, मैं कलाकार बनूं? मेरे घर वालों ने बहुत उम्मीद रखी है और उन्होंने जो भी बचत की थी सब तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम लोग ने क्या किया? किसी पुराने जमाने के भूत बंगले में लाकर हम लोग को फंसा दिया। तुम लोग को बहुत पैसे चाहिए ना, किसी की जान ले लो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। रोशन, अपनी जबान को लगाम दे। हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं तो जिसके मुंह में जो आ रहा है बके जा रहा है। ए, चुप हो जा यार। नहीं तो चुप कर। हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी यार? और क्या कहा था तूने? ये बंगला किसी पुराने जमाने का बंगला है। इस बंगले का मालिक कौन है जानते हो? इस बंगले का मालिक ये रहा, यही है। ये बंगला होते हुए भी ये इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है तुम में से कोई जानता है क्या? बेटा विक्की, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जीऊं या मरूं पर मैं तेरे साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी माँ को बचाएंगे। तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है ना। तीन दिन क्या, तीन जन्मों तक हम यहाँ रहने के लिए तैयार है, क्या बोलते हो? मैं तो इस घर में रहने के लिए रेडी हूँ पर इस सिचुएशन का क्या करें? उसके लिए भी मैंने इंतजाम किया है। अपरूप अतिथियों का अंतर्य अर्थ जानने वाला ये साफ हो गया है कि उस आत्मा की लहर अचानक आए हुए मेहमानों का सत्कार करके उनका स्वागत कर रही है। प्रदोष काल के इस शाम को सुदर्शन हवन की तैयारी करो। शिव रूपे स्वरूपेण महादैत्य महाबले घोर रूप महारावे नारायणी नमस्तुते या देवी माया रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आवाहयामि आवाहयामि। दुष्ट शक्ति आवाहयामि। छोड़ दे मुझे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, चला जा। कौन है तू? इन्हें परेशान क्यों कर रही है? यहाँ पर क्यों आई है? ये यहाँ कौन किसके घर में आया है? ये घर मेरा है, ये मेरा स्थान है, ये दमयंती का महल है। दमयंती का महल है ये? तू यहाँ क्या कर रही है? थोड़ा ठीक से समझा मुझे। बोल। बोलती हूँ। मेरा नाम दमयंती है। मेरा बहुत खुशहाल परिवार था और मेरे पिताजी विजेंद्र वर्मा दान धर्म करके हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। उनकी बातें वेद शास्त्री जैसी थी और ये मेरी माँ सावित्री देवी, ये हमारे गांव के लिए अन्नपूर्णा देवी जैसी थी। हमारा सारा गांव हंसता खेलता और खेल खिलाता रहता था। अचानक हमारे गांव में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। वो सारे गांव के लोगों में फैल गई। लोगों में अंधविश्वास होने की वजह से सही समय पर अपना इलाज ना करवा कर अपनी जान को खतरे में डालते गए और उनमें से एक मेरी माँ भी थी। ये सब देखकर मेरे पिताजी ने उसी दिन घोषणा कर दी कि हमारे गांव में मुफ्त में वैद्य चिकित्सा मिलेगी। हमारे गांव में एक डॉक्टर को बुलवा कर मुफ्त इलाज का एक अस्पताल बनवा दिया।
देख भैरा, तू गलती कर रहा है। हमारे गांव के भलाई के लिए हमारे मालिक गांव में दान धर्म करके सारे गांव का उद्धार कर रहे, समझा? और तू और तेरा भाई मिलकर जहरीली दारू बनाकर गांव वालों की जान से खेल रहा है। ऐसा करना बंद कर दे भैरा। देख भैरा, मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये सब यहीं पे रोक दे, वरना तेरी घटिया हरकतों के लिए मालिक को बोलकर पंचायत बुलवाऊंगा और तुझे इस गांव से निकलवा के रहूंगा। जब दारू पीने वालों को कुछ नहीं पड़ी है तो तुम लोगों को क्या? 10-15 लोगों की भीड़ बनाकर लाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? यही सोचा था ना? इस भैरा का नाम सुनकर घर में दुम दबा के छुप जाने वाले कुत्ते हो तुम सब लोग, और अब तुम लोग मेरे खिलाफ पंचायत बिठाने की जरूरत करोगे? इतनी हिम्मत आ गई है? क्या कर दिया? रुक जाओ, तुम सबका सार मेरे पैरों तले होना चाहिए। अगर किसी ने भी जरा सी चलाकी दिखाई और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो जो इसका हाल हुआ है वही तुम लोगों का भी होगा। जब घर का दिया ही बुझ गया तो इस ज्योति का क्या काम? अब इस भैरा का दिया जलाने के लिए तैयार हो जा तू। नमस्कार, मेरे पिताजी ने आप लोगों के हित के लिए ये धर्म हॉस्पिटल बनवाया है, इसीलिए अंधविश्वास छोड़िए और अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आप लोगों को कोई भी बीमारी हो यहाँ आपका मुफ्त इलाज होगा। इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आप सबका है। अप्पा जी, दरबार में आप अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? आओ बेटी, बैठो यहाँ। कहिए ना अप्पा जी, क्यों बुलाया? तुम्हें डॉक्टर बनने में और कितने दिन लगेंगे बेटी? एक साल में हो जाएगा अप्पा जी। क्यों अप्पा जी? तुम्हें इन गांव वालों की सेवा करते हुए देखना चाहता हूँ, मरने से पहले ये मेरी दिली इच्छा है बेटी। ये लो बेटी। ये क्या है अप्पा जी? ये मेरे जायदाद के कागज हैं बेटी। अरे, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं अप्पा जी? देखो बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह पे तुम्हें बैठना होगा, और हमारे शासन पर विश्वास रखने वाले लोगों का हाथ कभी मत छोड़ना बेटी। हमेशा तुम इन लोगों का मुफ्त में इलाज करोगी और सही देखभाल करोगी, मुझसे वादा करो। अप्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा अप्पा जी, ये आप कैसी बातें करते रहते हैं? आपका दान धर्म ही सदा आपकी रक्षा करेगा, आइंदा ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा अप्पा जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान,
मालिक मालिक एक बार बाहर आई है मालिक, देखिए मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। क्यों कृपा, क्या हो गया? अब हम क्या कहें बाबूजी? शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, कुछ धैर्य रख, संभाल जाएगा आपको। कहाँ जा रही है ये? पैसा भरा है क्या? क्या है कि इमरजेंसी केस है, पैसे नहीं है अभी हमारे पास पैसा नहीं है मालिक, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। जाके साहब से बात कर लो। मालिक मालिक, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए मालिक, मेरी बेटी को बचा लीजिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है मालिक, मालिक मालिक, मैं आप पे भरोसा करके आई हूँ। पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे पास खूबसूरती तो है ना। मालिक आपने जितना बोला था उतना पैसा ले आया, मेरी माँ को बचा लो, दया करो मालिक। मालिक तू समय पे पैसे नहीं लाया ना, इसलिए तेरी माँ गुस्से में चली गई। कहाँ चली गई मालिक? मालिक ये क्या कह रहे हैं मालिक, ये तो धोखा है मालिक, सरासर धोखा है, मैंने पैसे आपको दे दिए मालिक, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है मालिक। काहे का अन्याय बे, अगर ज्यादा बकवास की तो जहाँ तेरी माँ को भेजे हैं वही तुझे भी भेज दूंगा। चुपचाप लाश उठा और निकल यहाँ से। माँ माँ आके खोलो, माँ देखो बहन आई है। हाँ जी डॉक्टर साहब अंदर हैं। लेकर जाओ बेटी, लेकर जाओ, जाओ बेटी लेकर जाओ। चल थोड़ा थोड़ा सा। लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी बेटा, अरे पापी छोड़ दे, छोड़ दे उसे पापी, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। हे भगवान, मेरी बेटी को मार दिया। लक्ष्मी बेटा, अप्पा जी नमस्कार। तो पापी, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, दो लोगों के सामने ही लोग हाथ जोड़ते हैं, जीवन देने वाले भगवान के सामने और उसी जीवन को बचाने वाले डॉक्टर के सामने। उन्हीं इंसानों के साथ तुम जैसे लोग धोखा करते हैं और डॉक्टरों के नाम को कलंकित करते रहे पापे। जीजा जी वो दोस्त, मुझे जीजू कहकर मत बोला, ये तूने किस तरह का काम कर दिया, इन गांव वालों का मेरे ऊपर जिस तरह का विश्वास था तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं गांव वालों के सामने अगर मैंने तेरी इज्जत उतार कर तुझे जेल नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी विजेंद्र वर्मा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जीजा जी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अप्पा जी मैं तो फंस गया इसमें, मेरी क्या गलती है भैरा जी, और आप पे भरोसा करके मैंने सब किया था। सर सर कुछ तो करो ना, सब सर कुछ तो करो, सर कुछ तो करो ना सर।
संभालो अपने आप को। सुनो बहरा, ऐसे वक्त पर ऐसी बात बोल रहा हूँ, इसका बुरा मत मानना। इस घर का अब कोई रखवाला नहीं है। वैसे भी तो तुम इस लड़की के सगे मामा हो। इससे शादी करके घर बसाकर इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। ये बेचारी अपने माँ बाप को खोकर अकेली हो गई है। अब दमयंती को और अप्पा जी के इस महल को तुझे ही संभालना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रंगप्पा? ये तो मेरे पिता के समान है। मैंने इन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। वो क्या है ना कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये बात अप्पा जी तक पहुँचने से पहले ही यहाँ ये सब हो गया। अगर अप्पा जी हाँ बोलते तो हम दोनों शादी कर लेते। हम दोनों मिलकर इस गांव की सेवा करते। और ऐसे समय पर आप लोग तो कुछ और ही बोले जा रहे हैं। सुनो, ये मेरे घर का मामला है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। आप लोग जा सकते हैं। ए, सब लोग को भेजो यहां से। मामा, इतने अच्छे से समझने के लिए थैंक्स मामा। अब आपको बड़ा बन के हम दोनों की शादी करवानी होगी। क्या मैं प्लीज? शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने? थोड़ा सा खाना खा ले बेटी। क्यों खाना खाऊं दादी? माँ भी बीमार थी और मैं उसे बचा नहीं पाई। माँ तो रही नहीं और अप्पा जी भी मुझे छोड़ के चले गए। मुझे भूख नहीं है दादी, आप जाइए। ऐसा मत कहो बेटी, तुझे खाना ही होगा, तभी तो ताकत आएगी। और ताकत आने के बाद उस राक्षस को मार पाएगी तू। ये आप क्या कह रही हैं गंगम्मा? बेटा, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। अहंकार में डूबे तेरे जैसे शैतान को डर से थर थर कांपना चाहिए। अब देख मैं तेरी क्या दुर्गति करती हूँ। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरे जैसे दुष्ट की नस नस कांप उठेगी। लड़कियों की इज्जत मान और सम्मान से खेलने वाले औरत का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा। लड़कियों को तूने भोग विलास की वस्तु समझ के रखा है। आज उन्हीं लड़कियों की वेशभूषा धारण करके जिन्हें बर्बाद किया उनके सामने सर झुका के उनके पैरों में गिर गिराकर माफी मांगेगा तू। ये दमयंती की तुझे दी गई सजा है। तू ही तो है गुणवंती। अम्मा
अम्मा अम्मा दमयंती सबकी रक्षा ये करती ममता की मूरत है करुणा का सागर बेबस की कर दे पूरी हर जरूरत न्याय की रक्षक बन के रिश्ते नाते भूले दमयंती बच्चे सामन है जिसका ऐसी बेटी है ये दमयंती आ गए आप बेटा पापा के साथ खेलो मैं दूध लेके आती हूँ ठीक है कैच ए कौन हो तुम लोग अंदर कैसे आ रहे हो अच्छा सुनिए दूध थोड़ा गर्म है हुँ? हाँ? कौन कौन हो तुम लोग मैं तुमसे बात कर रही हूँ हाँ? यहाँ क्यों आया है तेरी दुश्मनी मुझसे है समझे छोड़ दे उन दोनों को छोड़ दूंगा मेरी माँ अभी छोड़ दूंगा जितना तू सोच रही है उतना घटिया नहीं है तेरा मामा दमयंती इतने दिन से तेरा मामा जेल में सड़ रहा था तुझे एक बार भी मुझे देखने का मन नहीं कर रहा था बेटी कोई बात नहीं बेटी तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा तुझे देखने की बहुत इच्छा थी इसीलिए मैं तुझसे खुद मिलने चला आया तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है पूरे गांव में दान धर्म करती रहती हो और उन लोगों का अच्छा बुरा तुम ही देखती रहती हो ना सुनकर बहुत अच्छा लगता है मेरी भी एक छोटी सी मांग है अगर तुम मान लो तो मैं अपने रास्ते चुपचाप चला जाऊंगा क्या है वो लारे क्या ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम कर दूं ये असंभव है ये अस्पताल अप्पा जी का सपना था और ये तेरा कभी नहीं हो सकता इस बहरा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है तेरे मरे हुए बाप का सपना जरूरी है या तेरे इस जिंदा पति की जान नहीं बहरा नहीं 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 बहरा नहीं नहीं बहरा बहरा उन्हें कुछ मत करो बहरा तुम्हें जायदाद ही चाहिए ना नहीं दमयंती चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई गलत कदम मत उठाना मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है अपने बाबा का सपना मत टूटने देना वाह रे त्याग की मूर्तियों जब तू ही मरने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं विक्षा, विक्षा, विक्षा। अरे 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 ऐसा मारा कि बच्ची का खून निकल गया देखो दमयंती तुम्हारी बच्ची का खून निकल रहा है मुझे लगता है ये इमरजेंसी केस है इसे तो एडमिट कराना पड़ेगा साइन करो बेटा देखो तुम्हारी बेटी का खून बहता जा रहा है देखो बेटा देखो ना जल्दी करो हाँ बहुत अच्छी है विक्षा 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 क्यों किया ऐसा तूने क्यों
जितना पीना है पी ले। इस देवापुर महल का मैं ही राजा। समस्या तो नहीं होगी ना? जैसा तूने सोचा है वो वैसे नहीं मरी है। जीवित रहते ही तूने उसकी जिंदगी को समाधि बना दिया। तेरी समाधि बनाने के लिए वो 24 घंटे में वापस आएगी और तुझसे बदला लेगी। मरने से पहले उसने यही प्रतिज्ञा ली है। तड़प तड़प के मरी है वो, प्रेत आत्मा बन के घूम रही है। एक और बात, उसके साथ साथ उसकी बेटी भी प्रेत आत्मा बन चुकी है। तू मत डरना, इसीलिए मैंने इसे और इस महल को चारों तरफ से हमेशा के लिए बांध दिया है। मेरे इस बंधन को तोड़कर इस महल से किसी भी आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं है। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, जितने दिन तक तू इस घर इस महल से दूर रहेगा उतने दिनों तक जिंदा रहेगा। ये लो, ये शक्ति तेरे साथ रहेगी तो उस दुष्ट शक्ति का तेरे आस पास भी आना मुमकिन नहीं है। सुंदर से खिलखिलाते परिवार को बर्बाद कर दिया। इस जायदाद के लिए मेरे परिवार को मार के उसने मेरा ये हाल बना दिया। तेरी कहानी सुनकर सारी आत्माओं को बांधने वाला मेरा दिल भी पिघल गया। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इन सब का कारण वो ही है। बेचारे इन लोगों ने क्या किया, तू यहां से चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती, जाने का नाम भी नहीं लूंगी। जब तक उसका सर्वनाश नहीं करूंगी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो मैं यहां से जाऊं तो पहले उसे यहां लेकर आओ, उसकी बलि लूंगी मैं। ये असंभव है। तो मेरा यहां से जाना भी असंभव है। शिव, अगर इस समस्या से बचना चाहते हो तो वो भैरा कहाँ है ये पता लगाओ, उसे किसी भी तरह यहाँ लेकर के आओ। उसके आने के बाद दमयंती सब कुछ संभाल लेगी। ए, मामा जेलर है ना, उन्हें पक्का पता होगा। हेलो मामा, मैं पूरी रात से बेटा गिरी। आपके जेल में कोई भैरा नाम का कैदी है क्या? हाँ ठीक है मामा। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि उसे इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज कर दिया था उन्होंने। हेलो, उस चाय वाले दादाजी को फोन कर दो जरा, शायद वो उसके बारे में कुछ जानते होंगे। करेक्ट। हेलो हेलो, बोलो। भैरा के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? हाँ, वो आया ऐसा पता चला है। Yeah.
भैया कुछ लोग देवापुरा से आए हैं, वहां के बंगले के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? वो देवापुरा के उस पुराने बंगले के असली मालिक आप है पता चला। जिसने आपसे वो बंगला लिया था वो अब जिंदा नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो उस बंगले के बारे में आपसे एक ओके मिलता तो एक डील के बारे में आपसे बात करनी है। कैसी डील? अरे वो देवापुरा महल को खरीदने के लिए दो दो लोग तैयार हैं। अगर आप मान जाए तो आप ही उस महल के ओनर हो ये दिखाकर डील फिनिश करके आने वाले पैसों का 50-50 बांट लेने का आइडिया है। आप ही हो इस महल के ओनर? आपको जरा सा भी सेंस नहीं है क्या? ऐसे ही आ जाता कोई, मुझे क्या श्रीरामपुरा का दलाल समझ रखा है क्या? तो तुम खरीदना चाहते हो? कोट सूट सूटकेस लिया तो ये दिख रहा है, मालिक तो ये दिख रहा है बे। आइए आइए घर देखिए। दाएं पैर को आगे रखो या बाएं पैर को आगे रखो? शुभ कार्य है ना, दाएं पैर रख के आगे आइए। आइए। अरे अरे अंकल, मैं अपना दाया पैर आगे रखूं? ये कोई मंदिर है क्या? ये मेरे दुश्मन का स्थान है, समझ में आया? सर ये घर आपका है, आप दाया पैर रख कर आओ या बाया पैर रख कर आओ। सब तुम लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सब बताता हूँ। ए दमयंती, तू मेरी मौत को देखकर खुशी मनाना चाहती है ना? देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तुझे जिंदा ही दफना दिया था तो मैं तुझसे क्यों डरूं? अब तुझे फिर से मारने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आना, आज देखता हूँ तेरी आत्मा में ज्यादा दम है या फिर मुझ में। आना, अगर तू नहीं आई तो इन सभी की बलि चढ़ा दूंगा मैं। ए दमयंती, तेरे इस खेल से डरने वाला नहीं हूं मैं। माँ दमयंती, आ जाओ माँ, बचाओ माँ, तुम्हारा कातिल बहरा आ गया, बाहर आओ माँ, बाहर आओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो देखो, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ए दमयंती, बदला लेना है तुझे? बदला लेना है ना तो ले लेना बदला, मुझे छू भी नहीं पा रही है ना तू। जब तक ये मंत्र शक्ति मेरे गले में है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। रक्षा, मृत्यु हरणम आपाशनम फट स्वाहा। तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी, जब तक तेरा खून नहीं पीऊंगी, तुझे तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा सामना करने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं, और
तू तो मेरे सामने खड़ी है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? चाहे तू कितने भी बंधन रख ले, तेरी बलि लिए बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। दमयंती, तेरा नाश करने के लिए हिमालय पर तप करके आया हूँ। अन्य आहार छोड़कर सिर्फ हवा पर जिया हूँ मैं। कठोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। हट साधना से शूद्र क्रूर भयंकर शक्तियों को इन हाथों में हासिल करने वाला रखता चाहूँ मैं। आत्माएं मेरे सामने आने से भी घबराती है। ऐ दमयंती, तेरा नाश होकर रहेगा। ए भैरा, इस दमयंती का दमन करने की तैयारी कर ले। और मैं मंत्र पढूं तो आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, ये महाकाली महाप्रलय ला सकती है। इस ज्वालामुखी को शांत करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी तंत्र सिद्धि होने तक मंत्रोच्चारण में रुकावट नहीं आनी चाहिए, समझ ले। आप निश्चिंत होकर दमयंती का अंत कीजिए, बाकी का मैं देख लूंगा। इन्हें इकट्ठा करके बांधो। छोड़ दो प्लीज, मुझे। छोड़ दे उसको। मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करना। ओम 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 फट स्वाहा। ओम 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 फट स्वाहा। ओम 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 फट स्वाहा। मेरे मंत्रोच्चारण में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये महाकाली प्रलय ला सकती है। ओम फट स्वाहा। ओम ओम क्लीम जोम फट स्वाहा। नहीं दमयंती, इस महाकाली महाचंडी के अवतार को समाप्त करने के लिए साक्षात महाशिव को मेरे शरण में आके मेरे पैरों के नीचे आना होगा। त्रिमूर्ति के साथ बच्चों वाला खेल खेला है मैंने। नराकी नराकी पुरुष यक्ष गंधर्व सकल जलाचर अनुरेणु काष्ठा को दसों दिशाओं में हासिल करने वाली मैं। ऐसी महाशक्ति के सामने एक दुष्ट तांत्रिक कहां टिक पाएगा? ये भैरा। दमयंती, दमयंती,
छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हे दमयंती, मुझे माफ कर दो। दमयंती, मुझे माफ कर दो दमयंती। दमयंती, मैं तुम्हारा मामा हूँ। दमयंती मामा, मुझे छोड़ दो। ए, तेरे किए गए उपकार का सत्कार किए बिना कैसे छोड़ दूँ बहरा? कहा था ना मैंने तुमसे, ये भूत भूत नाम का कुछ नहीं होता, सब लोगों का अंधविश्वास है। समझ में आ गया ना? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू सर। कल तक रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करके तुम्हें डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दूंगा। ओके ना? ओके सर। ओके। चल यार, चलो चले, अपना काम हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र। मेरी माँ को बचाने के लिए, कॉपरेट करने के लिए आप सभी का थैंक यू। आप सबके अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कोई बात, गाड़ी बाहर रेडी है, चलो चले। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं सिर्फ काउंट कर सकता हूं। बाबा जी, सरोजा के अकाउंट में तेरा अमाउंट डाल देंगे। अगले साल असली रियलिटी शो होगा तो बताना, हम आएंगे। कुछ भी बोलता रहता है, काली जुबान वाला। सुनो, सब अपना अपना नंबर मुझे दे देना, खासकर लड़कियों तुम लोग। ये मेरा घर है।